एवरीवन, कैसे हैं आप। आज मैं आपके साथ फिर से एक बहुत ही टेस्टी, एकदम हेल्दी, जबरदस्त नाश्ते की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि डेफिनेटली आप सभी को बहुत पसंद आएगा, जिसे हम मूंग दाल से बनाएंगे। हाई प्रोटीन, काफी हेल्दी है, क्योंकि हम इस पर एक चम्मच ऑयल का भी यूज नहीं करेंगे और पूरे परिवार के लिए आप इस नाश्ते को बना सकते हैं। तो रेसिपी बहुत खास होने वाली है, तो करते हैं शुरू। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं छाया, स्वागत है आपका हमारे माँ बेटी किचन पर। तो फ्रेंड्स, जिसको बनाने के लिए मैंने दो बड़े टमाटर ले लिए हैं, 6 से 7 लहसुन की कलियां, 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 1 प्याज मीडियम साइज की। सारी चीजों को हमें इस तरीके से रफली चॉप कर लेना है, मोटे मोटे पीसों में कट करना है, फाइन कट करने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे ही हमने इनको काट लिया, साइड पर रखेंगे। गैस पर हमने चढ़ा दी है 1 कढ़ाई और इस पर हम 1 छोटा चम्मच के करीब ऑयल डालेंगे। मैंने सरसों के ऑयल का यूज किया, आप कोई भी कुकिंग ऑयल का यूज कर सकते हैं। इसे हम मीडियम फ्लेम पर गर्म होने के लिए छोड़ देते हैं। ऑयल अच्छे से गर्म हो गया, गैस का फ्लेम स्लो किया, 1/2 चम्मच के करीब राई डालेंगे और इसको तड़कने देते हैं। इसी के साथ हमने इस पर जो कटा हुआ प्याज है वो भी डाल देते हैं। अभी हम इस पर लहसुन को भी ऐड कर देना है, अदरक को ऐड नहीं करेंगे, 6 से 7 लाल मिर्ची, और इसको हम भून लेते हैं। हमें कोई ब्राउन वगैरह नहीं करना, बस हल्का सा इसका सॉफ्टनेस आ जाए और इसका कलर पिंकिश हो जाए, इसमें जो मिर्ची है वो भी सॉफ्ट हो जाती। देख पा रहे हैं कि पिंकिश सी हो चुकी है। अब हम इस पर टमाटर डाल देंगे, साथ ही अदरक डाल देंगे। एक बार हम इन सारी चीजों को अच्छे से मिला देते हैं। इस पर डालेंगे अब 2 चम्मच के करीब दाल फुटाना, जो कि भुना हुआ चना होता है, 1/2 चम्मच या स्वाद के अनुसार नमक। सारी चीजों को एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और अच्छे से हम थोड़ी देर के लिए इसको भून लेते हैं, जिससे थोड़ा सा सॉफ्ट सी हो जाए। सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर दिया। मैंने 1 इमली का टुकड़ा लिया, इस पर हम डाल देते हैं, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, काफी टैंगीनेस आता है। इसको भी मिक्स कर दिया है। ये हमारी सारी चीजें जल्दी से सॉफ्ट हो जाए तो इसको हम कवर कर देते हैं। कवर करके हम इसको 2 से 3 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पर ऐसे ही छोड़ देते हैं। 3 मिनट बाद आप देखेंगे कि अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है। एक बार इसको हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं। सारी चीजें हमारी अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है। गैस का फ्लेम मैंने बंद कर दिया है, इसे हम गैस से उतार लेते हैं और ठंडा कर लेते हैं। इधर मैंने एक मिक्सी का जार लिया है, इस पर हम सारे अपने मिक्सचर को डाल देते हैं। एक बात का आपको ध्यान रखना है, मिक्सचर गर्म नहीं होना चाहिए। इसकी कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए मैंने 3 से 4 चम्मच के करीब पानी डाल दिया है, या तो आप जैसी गाढ़ी पतली चाहते हैं वैसा कर सकते हैं। जार को मैंने बंद कर दिया, इसको हम ग्राइंड कर लेते हैं। देखिए, इसको मैंने ग्राइंड कर लिया है और आप देख पा रहे हैं कि ये हमारी बहुत ही तीखी, स्पाइसी, मजेदार, एकदम स्ट्रीट स्टाइल चटनी बनकर तैयार हो गई है। इसकी आप कंसिस्टेंसी देखिए, एकदम परफेक्ट है। यदि आप चाहें तो इसको और पतली कर सकते हैं। आप इसको फ्रिज में रख के 1 हफ्ते तक स्टोर भी कर सकते हैं, बिल्कुल भी खराब नहीं होती है। अगर आप चाहें तो इस चटनी को ऐसे ही एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन इस चटनी पर मैं एक स्पेशल तड़का देने वाली हूँ। पैन को मैंने गैस पे चढ़ा दिया है, 1 छोटा चम्मच के करीब मैंने ऑयल डाला है। ऑयल को हम गर्म करते हैं, 1/2 चम्मच सरसों के दाने और 1 चम्मच के करीब मैंने फुटाना दाल डाली है, 4 से 6 करी पत्ता, 2 सूखी लाल मिर्च को हम तोड़ के डाल देते हैं। गैस का फ्लेम मैंने बंद कर लिया था क्योंकि ऑयल ज्यादा गर्म हो गया है। इसको हमने अच्छे से फ्राई कर लिया, तड़का को हमें लेके अपनी चटनी पर डाल देना है। इस तड़का को डालने से चटनी का स्वाद कई गुना बढ़ जाता है और लुक वाइज देखिए कितनी खूबसूरत, एकदम स्ट्रीट स्टाइल। थोड़ा सा हमने तड़के को मिक्स कर दिया है। इस चटनी को आप इस नाश्ते के अलावा किसी पर भी एंजॉय कर सकते हैं। चटनी को अभी हम साइड पर रख देते हैं। इधर मैंने 1 कटोरी मूंग की दाल को 1 घंटे के लिए गर्म पानी में सोक करने के लिए छोड़ दिया था। इससे जो दाल है ना हमारी अच्छे से सूख गई है। यदि इस तरीके से कट करें तो आराम से ये कट हो रही है, ऐसे दाल हमारी सोक होना चाहिए। इसका सारा पानी हमने हटा दिया है और देखिए ये बिना पानी की दाल है। और अब हम इसको अभी साइड पर रख देते हैं। एक मैंने ले लिया है छोटा वाला मिक्सी का जार और सारी दाल को हम इस पर ट्रांसफर कर देते हैं। आप चाहें तो इस नाश्ते को चना दाल से भी बना सकते हैं, उससे भी ये नाश्ता टेस्टी लगता है, लेकिन आज हम हाई प्रोटीन मूंग दाल से बनाने वाले हैं। 1 इंच अदरक के टुकड़े को छील लिया था, मोटे मोटे पीसों में कट कर लिया था। इसी के साथ मैंने 1 चम्मच के करीब जीरा, जो कि कच्चा है, 2 हरी मिर्ची ली है, ऑप्शनल है यदि आप बच्चों के लिए बना रहे हैं। यदि बच्चे तीखा नहीं खाते तो आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन यदि आप हरी मिर्ची डालते हैं ना तो नाश्ते का टेस्ट भी काफी बढ़ जाता है। इसी के साथ हम इस पर डालेंगे 2 से 3 चम्मच के करीब पानी, इससे ज्यादा आपको पानी अभी नहीं डालना है।
और अब हम इसको बंद करके एकदम फाइन पीस लेते हैं। कोई भी मोटा टुकड़ा इस पर नहीं होना चाहिए। मेरे साथ ऐसा क्यों होता है कि भाई जार को लगा देती हूँ लेकिन ऑन करना भूल जाती हूँ। तो चलिए इसको हम एकदम फाइन पीस लेते हैं। एकदम हमें थोड़ा एक्स्ट्रा भी मिक्सी को चलाना है और ये देख पा रहे हैं कि अच्छे से पिस गया है। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि यदि आप पहले से पानी डाल देते हैं ज्यादा तो अच्छे से ये फाइन नहीं पिसता है, लेकिन इस रेसिपी में हमें फाइन की ही जरूरत है। वापस से मैंने वही बाउल ले लिया, थोड़ा सा पानी से साफ कर लिया था। मिक्सचर को हम सारे बाउल पर ट्रांसफर कर देते हैं और आप देख पा रहे हैं इसकी कंसिस्टेंसी अभी मैंने कैसी रखी थी पीसते समय, बिल्कुल भी ज्यादा पानी नहीं डाला था। नाश्ता हमारा थोड़ा क्रंची सा बने तो मैंने ले लिया है चावल का आटा। इसकी जगह आप सूजी को पीस कर ले सकते हैं। 2 चम्मच के करीब मैंने डाला है, घर की नॉर्मल चम्मच है, इससे ज्यादा आपको नहीं डालना है। आप चाहे तो प्रॉपर इसको दाल से भी बना सकते हैं। थोड़ा सा पानी, साथ ही स्वाद के अनुसार नमक, बस अब आपको इस पर कुछ नहीं डालना है और इसको हमें एकदम पतला जिस तरीके का डोसा का मिक्सचर होता है ना वैसा ही बनाना है। लेकिन जो आप दाल चावल का डोसा का मिक्सचर बनाते हो ना वो थोड़ा ज्यादा पतला होता है, इसको बहुत ज्यादा पतला नहीं करना है और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद हमें इसको एक्स्ट्रा 1 मिनट के लिए और फेंट लेना है। इससे जो मिक्सचर है ना हमारा काफी हल्का हो जाता है। कंसिस्टेंसी आप देख पा रहे हैं एकदम परफेक्ट है, इससे ज्यादा आपको पतला नहीं करना है। कवर करके हम इसको अभी ऐसे ही छोड़ देते हैं जिससे जो चावल का आटा है हमारा फूल जाए। 5 मिनट के लिए हम छोड़ देते हैं। इधर मैंने गैस पे चढ़ा दिया है, तवा गैस का फ्लेम कर दिया है मीडियम और इसको हम अच्छे से गर्म होने देते हैं। इधर जो हमारा मिक्सचर है वो भी थोड़ा फूल कर तैयार हो गया है और एक बार इसको हम मिक्स कर लेते हैं। अब आप देखिए इसकी कंसिस्टेंसी ना एकदम परफेक्ट है। अब आपको एकदम जालीदार बिना किसी इनो सोडा के बनाने के लिए इस मिक्सचर को आपको 2 से 3 मिनट अच्छे से हाई स्पीड पर फेंटना है। जब आप फेंटेंगे तो आप देखेंगे इसमें काफी सारे बबल्स आ जाएंगे, काफी हल्का हो जाएगा। अब ये हमारा रेडी है। हल्का सा मैंने इस पर ऑयल डाला है, टिश्यू पर पूरे पर फैला दिया है। आपको एक बार लगाना है, बार बार लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आप चाहें तो इसको प्रॉपर बिना ऑयल के भी बना सकते हैं। गैस का फ्लेम बिल्कुल स्लो कर देना है। अगर तवा आपका ज्यादा गर्म होता है तो थोड़े पानी की छींटे डाल दीजिए। 1 कलछी भर के हम इसको सेंटर पर डालेंगे और हल्के हाथों से, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करना है, हल्के हाथों से आपको इस तरीके से स्प्रेड करते जाना है। कोई एडिटिंग नहीं है, सारा मैं आपको दिखा रही हूँ। जो आपका एक्स्ट्रा मिक्सचर है ना आप इस तरीके से साफ कर लीजिए तो आप देखेंगे एकदम पतला हमारा मूंग दाल का डोसा फैल गया है। गैस का फ्लेम मैंने मीडियम कर लिया है और ऊपर से सूखने के बाद थोड़ा सा मैंने इस पर ऑयल लगा दिया है। ये भी ऑप्शनल है लेकिन इससे थोड़ा क्रंची और कलर भी पकड़ता है। और देखिए इस तरीके से तवा हमारा काफी बड़ा है, गैस का फ्लेम छोटा होता है। अच्छे से ये चारों तरफ से सिक जाए तो हमें रोटेट करते हुए इसको सेकना पड़ता है और आप देख पा रहे हैं कि बढ़िया से सिक गया है और इसका कलर भी एकदम परफेक्ट आ गया है। देखिए ये जो डोसा है ना एक साइड सेका जाता है, यदि आपने मोटा बनाया है तो आप दोनों साइड सेक सकते हैं, लेकिन ये इतना पतला है कि भाई आर पार दिख रहा है। कलर कितना बढ़िया है, परफेक्ट ये हमारा सिक गया है। तो मैं आपको 3 तरह की बताऊंगी। देखिए एक तो ये हमारा प्लेन हो गया है, आप ऐसे ही टोटली चटनी से एंजॉय कर सकते हैं। चलिए इसको साइड पर रख देते हैं। अब दूसरा बनाने के लिए फिर से मैंने टिश्यू को साफ कर लिया, वही टिश्यू लिया, ऑयल वगैरह नहीं लगाया है। गैस का फ्लेम मैंने स्लो कर लिया, 1 कलछी भर के हमने इस पर मिक्सचर डाल दिया है। फिर से हम इसको हल्के हल्के हाथों से फैलाएंगे। मेरे हस्बैंड को है ना थोड़ा सा मोटा पसंद है तो इसलिए मैंने ये मोटा वाला बनाया। ये मैं स्ट्रीट स्टाइल बनाने वाली हूँ। फैलाने के बाद हम इसको पूरा ड्राई होने देंगे। फिर से मैंने इस पर ऑयल लगाया। बस इसी तरीके से हमें तवा को रोटेट करते हुए अच्छे से सेक लेना है जब तक बढ़िया से ये ब्राउन नहीं हो जाता। आप मोटा बनाइए पतला बनाइए लेकिन इसका कलर देखिए, लुक एट दिस, कितना शानदार। ये हमारा टोटली मूंग दाल से बना है, काफी हेल्दी भी। लेकिन स्ट्रीट स्टाइल बनाने के लिए जो मैंने चटनी बनाई हुई थी, 2 चम्मच चटनी हम डोसे पर स्प्रेड कर देते हैं। गैस का फ्लेम मैंने स्लो रखा है। अच्छे से लगाने के बाद भाई मैंने सुबह बनाई थी आलू मसाला तो वो मैंने इस पे डाल दिया है। यदि आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर पहले से वीडियो पड़ा है। थोड़ा सा मैंने प्याज, कटा हुआ हरी मिर्ची, हरा धनिया, आप चाहे इस पर बटर डाल सकते हैं और भी वेजेस डाल सकते हैं और इसको मैं फिर से रोल कर देती हूँ। आप चाहे इसको टोटली आलू के साथ भी बना सकते हैं। बहुत ही टेस्टी, एकदम क्रिस्पी, ये मजेदार हमारा इंस्टेंट मूंग दाल का डोसा बनकर तैयार हो गया है। मैंने रख दी अपनी तीखी स्पाइसी मजेदार चटनी। ये हमारा स्ट्रीट स्टाइल, ये मेरा
प्लेन, और एक मैंने ये बनाया था सिंपल आलू मसाला के साथ जो कि मेरे बच्चों को बहुत पसंद है। अब आप खुद ही जान रहे होंगे कि 3 डोसे बनाने में कितना समय लगता है, फिर भी ये डोसा हमारा अभी तक ऐसे ही क्रिस्पी और करारा है। आप इसे चटनी के साथ खाइए या तो ऐसे ही खाइए, आपको मजा आने वाला है। आप इसे सुबह के नाश्ते पर बनाइए, शाम की हल्की फुल्की भूख पर, या तो मेहमानों के आने पर, सभी को बेहद पसंद आएगा, फटाफट से बन जाती, हाई प्रोटीन है, जबरदस्त रेसिपी। पसंद आए तो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।